वैशाली नगर गौरव पथ में निगम द्वारा व्यापारियों को आवंटित गुमटियों की नंबरिंग करने का कार्य किया गया। इस मौके पर आवंटित संचालकों को जोन दो के अधिकारियों द्वारा मौके पर बुलाया गया था। सड़क पर व्यापार कर यातायात को बाधित कर रहे दुकानदारों के व्यवस्थापन करने और यातायात को बाधित होने से रोकने नगर निगम प्रशासन द्वारा वैशाली नगर गौरव पथ के किनारे गुमटियों का निर्माण कराया गया था। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनाई गई इन सभी गुमटियों का आवंटन हो चुका है। बावजूद इसके यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की वजह से दुकानदारों ने गुमटियों का संचालन शुरू नहीं किया है। केवल 2 से 3 गुमटियों में ही व्यापार किया जा रहा है। नगर पालिक निगम जोन 2 के राजस्व विभाग की टीम द्वारा सभी आवंटियों को मौके पर बुलाया गया था। यहां राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा गुमटी संचालकों को गुमटियों के नंबर आवंटित कर गुमटियों में चस्पा किए गए। साथ ही सभी गुमटी संचालकों से गुमटी में किसी भी तरह का नशीला पदार्थ नहीं बेचे जाने की अपील की। नशीला पदार्थ बेचे जाने की सूचना मिलने पर निगम अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा वेंडर जोन विभिन्न जोनों में बनाया गया है। उसी के तहत जोन 2 में वैशाली नगर कॉलेज के पास जो वेंडर जोन बनाए गए उसमें जो NULM से सूची जोन को प्राप्त हुआ है उसका जो मौके पर उपस्थित थे आवेदक उनका आधार कार्ड से सत्यापन और जो चुमकियाँ बनाई गई है उसमें नंबरिंग का काम किया गया है। गुमटी संचालकों ने निगम अधिकारियों से गुमटी परिसर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है, जिस पर अधिकारियों ने इस पर शीघ्रता से कार्य करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि गुमटियों के समक्ष नगर निगम प्रशासन द्वारा पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं। इस पेवर ब्लॉक को लगाने का उद्देश्य यहाँ की सुंदरता को बढ़ाना था, लेकिन अवैध रूप से कुछ ठेला संचालकों द्वारा पेवर ब्लॉक में ठेला खड़ा कर व्यापार किया जा रहा है। बीच में इन्हें हटाने नगर निगम ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन अब भी ठेला संचालक बेखौफ रूप से ठेला लगाकर यहां व्यापार करते देखे जा सकते हैं। ऐसे ही ठेले संचालकों को व्यवस्थित करने निगम प्रशासन द्वारा गुमटियों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अब भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। नगर निगम ने गुमटी संचालकों को गुमटियों का आवंटन कर खाना पूर्ति कर ली है। देखना होगा यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर निगम प्रशासन कब तक और क्या सुविधा उपलब्ध कराता है। पूर्व में एक गुमटी संचालक की गुमटी में चोरी की घटना भी हो चुकी है। शाम ढलते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर गुमटी संचालकों ने अपनी गुमटियों का संचालन अब तक शुरू नहीं किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।